करें बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। डॉक्टर पॉल क्लिनिक आपके बालों और त्वचा की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याओं का बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर पॉल क्लिनिक। पता है फर्स्ट फ्लोर फजल इमाम कॉम्प्लेक्स नियर पटना सेंट्रल मॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। सिवान में सीमेंट कारोबारी का अपहरण। फिल्मी स्टाइल में तीन स्कॉर्पियो में सवार तकरीबन 15 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। आंदर तियाए पुल के पास की है घटना। इनोवा में बैठी पत्नी व छोटे बने रहे मूक दर्शक। पीछा कर अपराधियों ने गाड़ी को रुकवाया। इसके बाद शीशा तोड़ फाटक खोल जबरन कारोबारी को उठाया। सिवान जिले के आंदर थाना के तियाए पुल के समीप शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे फिल्मी स्टाइल में एक सीमेंट कारोबारी की दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया। बता दें कि तीन स्कॉर्पियो में सवार करीब 15 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने सीमेंट कारोबारी की दिनदहाड़े अपहरण कर लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। अपहृत सीमेंट कारोबारी की पहचान दरौली थाना क्षेत्र के बिटौरी निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जितेंद्र यादव अपने इनोवा कार में सवार होकर पत्नी बच्चों और एक दोस्त के साथ अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान आंदर थाना क्षेत्र के तियाए पुल के समीप तीन स्कॉर्पियो में सवार तकरीबन 15 की संख्या में बदमाशों ने काफी दूर से पीछा करते हुए ओवरटेक करके उन्हें रोक दिया। इसके बाद बदमाशों ने गाड़ी पर पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद इनोवा गाड़ी का शीशा टूट गया। बदमाशों ने गेट खोलकर जितेंद्र यादव को अपहरण कर अपने साथ लेकर चले गए। इधर घटना की जानकारी के बाद आंदर थाने की पुलिस मौके पर इनोवा कार सीमेंट कारोबारी की पत्नी बच्चों और ड्राइवर को लेकर थाने पहुंचकर उनसे पूछताछ कर रही है। इधर सीमेंट कारोबारी का दिनदहाड़े अपहरण की घटना के बाद पत्नी और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है। पत्नी को किसी बड़ी अनहोनी की चिंता सता रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि सीमेंट कारोबारी जितेंद्र यादव का कुशीनगर के यूपी के व्यवसायियों के साथ पैसों की लेन देन में काफी समय से विवाद चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अपहरण के पीछे उसी शख्स का हाथ हो सकता है। न्यूज़ नेटवर्क से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।